हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नवरात्रि स्टार्ट हो गई है कल से एंड आज का सेकंड डे है। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। एंड आज मैंने सुबह सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं हर बार नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह सुबह काम रहते हैं, इसलिए शूट नहीं हो पाता है मेरा। तो आज फाइनली मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है एंड अभी मैं बैठी हूँ बाहर, क्योंकि अंदर में सो रहे हैं कुणाल भैया, क्योंकि वो 9 बजे के पहले उठते नहीं हैं और अगर मैंने अंदर आवाज़ किया तो मेरे को बहुत अच्छे से डांट पड़ जाएगी, इसलिए मैं बैठी हूँ बाहर। एंड आज मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आज मैं आपका अपना पूरा दिन का शेड्यूल आपको दिखाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो अभी बज के 9:15, तो अभी पापा का ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तो अभी पापा को बाय बाय करके आते हैं। चलो बाय पापा। पापा चले गए ऑफिस एंड अभी मैं करूँगी नाश्ता। मेरे को सुबह सुबह एक्चुअली चाय नहीं चाहिए रहती है, क्योंकि मेरे को चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद और दूध भी नहीं पीती मैं ज़्यादा। एक आधी बार अच्छा लगा तो मैं तो फिर नहीं पीऊँगी। अभी मैं रोटी सब्जी खाऊँगी, वही हमारा सुबह का नाश्ता होता है, क्योंकि रोटी सब्जी खाने से पेट भी भर जाता है और 12 बजे तक के हो जाता है। अभी मेरा हो चुका है नाश्ता पूरा एंड अभी कुणाल भैया की गुड मॉर्निंग हो गई है। अभी कुणाल भैया के लिए बन रही है चाय, क्योंकि चाय के बिना तो उनकी गुड मॉर्निंग ही नहीं होती जल्दी। चाय के लिए तो इतने जल्दी उठते 9 बजे वो। तो अभी सारे काम वाम ख़त्म हो गए थे घर के, तो बाहर थोड़ा सा कुछ काम था बैंक में, तो वहीं पर रहते आधा एक घंटा हो गया, वहीं पर काम हो गया। अभी उसके बाद अभी हम लोग घर पे आ गए। अभी घर पे आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते, फिर दोपहर को रेस्ट करने बाद फिर मिलते हैं बाद में। देखो अकेले अकेले खा रहे, पूछा भी नहीं एक बार खाना है कि नहीं। कल चिप्स दिया था ना टेस्ट करने के लिए। देमोन ना मम्मी दे। बहुत ही अभी हमारा रेस्ट करने का टाइम हो चुका है खत्म एंड अभी हो चुका है नाश्ता टाइम। तो अभी मम्मी ने बनाए हैं पोहे, तो अभी हम लोग खाएंगे पोहे। एंड आज एक बर्थडे इनविटेशन भी है, तो मम्मा के साथ मैं जा रही हूँ, तो मैं जल्दी से पोहे कभी खा लेती हूँ थोड़े से, क्योंकि भूख लगी है। एंड देन रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं रेडी होने के बाद। तो मैं और मम्मा हो चुके हैं रेडी, अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी देखते हैं आंटी की तैयारी हुई कि नहीं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बर्थडे में। आंटी हो चुके हैं रेडी, मम्मी के बेस्ट फ्रेंड। अभी फोटो निकालनी है। You are around, you got the smell, got the eyes, you got me falling down. I wonder if I can I stay by your side. तो हम लोग आ चुके हैं घर पे, बर्थडे खत्म हो गया। हम लोग हार्डली बस 5 मिनट बैठे, ज्यादा देर नहीं बैठे, और तो इसलिए हम लोग जल्दी से बस 5 मिनट में बर्थडे खत्म करके आ गए। तो अभी मम्मी और मैं रेडी थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नवरात्रि तो स्टार्ट हो गई है, तो क्यों ना गरबा देखने चले। तो इसलिए मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रहे हैं हम लोग गरबा देखने। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मैंने इसको 6-7 साल हो गए इस डांडिया को, मुझे खेलना भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता है, लेकिन 7 साल हो गए इस डांडिया को, क्योंकि ये एक बार मैंने शॉप में देख ली थी, मेरे को इतनी पसंद आती थी, इतनी क्यूट लगी थी, तो मैंने दूसरे दिन पापा को लेके गई थी और मैंने बोला था पापा ये करके दो, तो तब से मेरे पास है ये। इतनी सुंदर लगती है, अभी भी इतनी पसंद है कि मैंने संभाल के रखी है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं देखने, तो दिखाती हूँ मैं आपको।
अभी भी थक के गरबा स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम लोग जा रहे हैं सिड़को। ये बुट्टी पूरी की यहाँ पे है, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं सिड़को में देखने के लिए। चलो फिर उसके बाद इधर आएंगे हम लोग, वो देखने के बाद। हमको गरबा देखना था, लेकिन गरबा अभी तक के स्टार्ट नहीं हुआ था। 8:30 बज गए और हम लोग 7 बजे से निकले थे घर से, इसलिए हम लोग घर पे आ गए थे। अभी पता नहीं 9:30 बजे स्टार्ट होने वाला था, इसलिए हम लोग नहीं रुके, हम लोग उधर नहीं गए, हम लोग सिड़को से डायरेक्ट वापस आ गए। तो हम लोगों ने आज का डे ऐसे इंजॉय किया एंड बहुत अच्छा लगा आज। मतलब बिजी डे था तो अच्छा लगा, नहीं तो नॉर्मली घर पे रह के बोर हो जाता है। तो हम अभी यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं, एंड आपको ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताना कमेंट में, एंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।